दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के संवाद भवन में संत कबीर महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित कबीर महोत्सव के अंतर्गत संगोष्ठी संत कबीर और भारतीय संत परंपरा विषय का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने की। वहीं वक्ता के रूप में कला संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर नंदिता सिंह व हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल राय मौजूद रहे। सभी अतिथियों से माननीय कुलपति जी से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। कबीर वे माननीय कुलपति जी को का माल्यार्पण करके चिन्ह और उत्तरी देकर का जो सबसे जीवन परिदृश्य होता है मुकम्मल नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि जो करतल ध्वनि आपको सुनाई दे रही थी उसके पीछे अभी सत्र भी आप कह सकते हैं। ललित कला एवं संगीत विभाग के विद्यार्थियों द्वारा हमारे संतों की उस समय नहीं कर पाए, लेकिन मुझे उम्मीद है जो नई टीम और जो नया प्रयास हो रहा है हमें कबीर चेयर यहाँ पे स्थापित करेंगे। कबीर गोरखनाथ संत रविदास, इनकी सबकी जड़ें देखिए तो हमारे आसपास ही 2700 रविदास की जयंती भी है। 2700 को मैं प्रोफेसर दीपक त्यागी जी से बोलूँगा कि प्रयास करें एक अच्छा कार्यक्रम सब रविदास जयंती के भी हम लोग करें। ये हम लोग की परंपरा रही है, इस विश्वविद्यालय की परंपरा रही है, चाहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो चाहे दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय हो, कि ऐसे संतों को हम लोग शोकेसिंग करें, उनके बारे में अपने बच्चों को बताएं। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया कि आज कबीर की पुण्यतिथि है 24 फरवरी को, और इस एक कार्यक्रम जो जिसके नोडल अधिकारी हैं प्रोफेसर दीपक त्यागी जी, उनके लीडरशिप में ये आयोजन किया जा रहा है। और ये एक पूरे साल में बहुत सारे कार्यक्रम हमें कबीर और कबीर पंथ पे हमें आयोजित करने हैं। विश्वविद्यालय में बहुत सारी चीज़ें जो स्टार्ट होने जा रही हैं उसमें एक हम लोग एक कबीर चेयर की स्थापना करने जा रहे हैं। अब उसका फंड कहाँ से आएगा उस पर हम लोग विचार करेंगे, यूनिवर्सिटी देगी या सरकार को भी अनुरोध करेंगे, लेकिन एक हिंदी विभाग में एक कबीर चेयर की स्थापना होगी। उसके बाद एक वार्षिक पत्रिका कबीर पंथ पे, और वो कबीर पंथ के साथ साथ गोरखनाथ पीठ संत रविदास उनको ध्यान रखते हुए, उनके साहित्यों को ध्यान रखते हुए एक वार्षिक